बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार शाम निधन हो गया। 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को शुक्रवार शाम 5 बजे दिल्ली से पटना लाया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए पटना एयरपोर्ट पर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ गई। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना के LJP ऑफिस में रखा गया है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी पार्टी ऑफिस पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनके पुत्र ने भी, आपको बता दें कि श्रद्धांजलि अर्पित की है, और इस दौरान चिराग पासवान और उनकी माँ भी वहां नजर आए। बिहार के तमाम नेता रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी भी वहां मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, आज शनिवार है और सुबह 10 बजे गंगा किनारे उनकी अंतिम संस्कार जाएगा। और आप बता दें कि पटना हवाई अड्डे से उन्हें सीधे विधानसभा ले जाया गया था, जहां पर अंतिम दर्शन किया गया, और कई वहां पे थे राजनेता भी मौजूद थे, और खास करके रामविलास पासवान के जो जुड़े हुए परिवार के जो लोग थे वो लोग भी मौजूद थे। और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो राजकीय सम्मान है वो पूरी राजकीय सम्मान के साथ में आज उनके 10 बजे गंगा के तट पर आज अंतिम संस्कार कर दी जाएगी, और इसमें काफी लोगों की जुटने की संभावना। और सबसे अहम बात यह है कि हाजीपुर के क्षेत्र के कई लोग अभी सुबह सुबह ही दिखाई दे रहे हैं कि लोग पहुंच चुके हैं वहां पर, और इनके साथ यानी कि अंतिम दर्शन देने के लिए लोग भी पहुंचे हुए। जी मिथिलेश मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार शाम निधन हो गया। 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को शुक्रवार शाम 5 बजे दिल्ली से पटना लाया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए पटना एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़ उमड़ गई। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना के LJP ऑफिस में रखा गया है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।